आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, आसाम रिफल के जो हमारे ऑफिसर है। थैंक यू, थैंक यू। तो साथ है आपका स्कूल के लिए। अगर आगे जिस तरह से हम कहते हैं गौ हमारी माता है, उसी तरह से हमें ज्ञान करना है ये पौधा हमारे जीवन दाता है। और सुंदर कविता। नमस्कार दोस्तों, और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और मैं हूँ अभी सिक्स मेल रामपुर, रामपुर प्राथमिक विद्यालय भी मैं हूँ। और पहला आज जो शुभ काम है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, और इससे तीन से चार दिन पहले हम लोगों ने कहाँ कहाँ किया, और जो प्लांटेशन है कहाँ कहाँ हम लोगों ने गिफ्ट दिया जो पौधा है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार से पाँच दिन पुराना वीडियो जो इन्वायरमेंट डे से पहले मैंने बनाया था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इन्वायरमेंट के दिन में हम प्लान लगाए, उससे पहले भी हम लगा सकते हैं, उसके बाद भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पर्यावरण को बचाना है और चारों तरफ हमें हरियाली को फैलाना है। तो मुझे कुछ बहनों ने साथ दिया और साथ में लीला जी ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो चलिए गांव पे बढ़ते हैं और गांव को जाके भी प्लांट को बांटते हैं। पौधा मैंने गिफ्ट दिया था, लेकिन घर वाले जो भैया थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा। ये छह पौधा आपने दिया? हाँ जी। कितना साल पहले दिया था हमने? ये तकरीबन 8-9 साल हो गया। गांव को विजिट करेंगे ना सर अभी? हाँ जी, अभी। और हम लोग अभी प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, घर घर जाके हम लोग गिफ्ट देंगे। हाँ जी। मेरे साथ और दो बहन है, हम लोग जाएंगे गाँव गाँव और जो प्लांट्स है हम गिफ्ट देंगे घर घर जाके। तो उससे पहले बहन आप लोग का नाम थोड़ा बोल दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वस्ति शर्मा है। स्वस्ति शर्मा ना, और आपका नाम? मेरा नाम तृप्ति शर्मा। ये क्या का प्लांट देंगे बहन आज हम लोग गिफ्ट? ये अर्जुन का प्लांट है। अर्जुन का प्लांट है ना। तो अभी टीम बढ़ चुके हैं हम लोग का, और लगभग यहाँ पे देखो पूरा प्लांट्स लेके अभी हम लोग आए, अभी आंटी को देंगे, इस घर पे देंगे। तो लगभग बहुत सारा टीम हो गया अभी, देखिए सिक्स मेल रामपुर में। भाई भी हमें साथ देने के लिए, भाई का नाम बोलो क्या है? हरी छेत्री। हरी छेत्री, यहाँ पे दो बहन को मैंने आपको मिलाया था, और दो बहन इस गांव से मिला है। आपका नाम बोल दो क्या है? हिमा छेत्री। हिमा छेत्री, आपका नाम? भीमा छेत्री। भीमा, आंटी का नाम क्या है? रुक्मिणी कुमार। हर एक घर में जाके वीडियो करना तो पॉसिबल नहीं होता है, सुबह से आज हम लोग काम को कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब इन्वायरमेंट डे हो और हम प्लांट्स लगाए ना, उससे भी पहले उसके भी बाद हम लगा सकते हैं। मेरे साथ पूरा टीम है, देखिए इधर सर है और इधर बहन लोग है और भाई कैमरामैन है आज, और पूरा आज टीम है। और खुद को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि प्लांट्स हम लोग घर घर जाके गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को। मेरे निवास पर हमारे पर्यावरण के प्रति अति सचेत दो भाई लीलानाथ शर्मा, गौतम और विकास शर्मा आए, हमारे इस धरा को हरियाली करने के लिए हमें दो पौधा प्रदान किया। मुझे अति खुश है, अच्छा लगा। पर्यावरण रहे तो हम रहेंगे, पर्यावरण स्वस्थ रहे शरीर स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब देश के लिए कुछ कर पाएंगे। यही नारा को लेके ये दो भाइयों ने जो कष्ट किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन दो के मिशन सफल रहे। इस तरह से हम कहते हैं गौ हमारी माता है, उसी तरह से हमें ज्ञान करना है ये पौधा हमारे जीवन दाता है। इसलिए पौधा को बचाओ, धरा को बचाओ। धन्यवाद। तो एक बच्चे लोगों को भी अच्छा एक मैसेज मिलेगा कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे और प्लांट्स गिफ्ट देते देते अभी शाम हो गया अभी। तो फिर से मैं सर से नाम, आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम खोगेन सेतिया। खोगेन सेतिया ना, जी जी। तो अभी आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे सर? जी, ये पढ़ा रहा था। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जी। तो अभी सर को ये गिफ्ट दे रहे, कैसा लगा प्लांटेशन? प्लांट तो अच्छा है, लगाना पड़ेगा घर में। जी जी, प्लांट्स लगाना चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है कि नहीं? प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो अभी मैं हूँ, ये गांव का नाम क्या है सर? आप आम पत्थर है ना, जागुन आम पत्थर में हम लोग पहुंचे। अभी सार को दिया हम लोग ना, ये भी अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन का पेड़ है। तो यहाँ बच्चे लोगों को भी एक अच्छा मैसेज मिला और सार को भी हम लोग ने एक गिफ्ट दिया प्लांट्स। अभी मैं आप बचाऊ जागुन आउटपोस्ट, और ये है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट पुलिस स्टेशन। में पेड़ लगाइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ में सबसे बेस्ट पेड़ होता है हम लोग को आम का पेड़। आम का पेड़ में क्या होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और जो ठंडा दिन में देखना कि पेड़ का जो पत्ता सब गिर जाता है, आम का पत्ता पूरा नहीं गिरता है। ये आप ख्याल करके देखिएगा, आम में सबसे ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। अगर आम का पेड़ अगर हम लोग लगाना सके तो दो काम होता है, एक तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगा, उसमें शेडो भी ज़्यादा मिलता है, उसके बाद में उसमें फल भी खाने के लिए मिलता है बच्चों लोग के लिए। हम लोग का जो शरीर बिगड़ जाता है ना, तो शरीर बिगड़ जाता है तो हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं। सेम हम जिस अभी पृथ्वी पे हैं,
ये पृथ्वी अभी बीमार है और ये पृथ्वी को हम सभी ने मिलकर बीमार बनाया है। ये पृथ्वी पूरा बीमार है और इस पृथ्वी को हम सभी ने मिलकर बीमार बनाया। ये आपने बनाया, ये उसने बनाया, ये मैंने बनाया नहीं, ये हम सब ने मिलकर पृथ्वी को बीमार बनाया और हम सब मिलकर इसको सुधार सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, हमें पेड़ पौधा को लगाना है और हर जगह हरियाली को फैलाना है। तो पहले शुभ काम कर लेते हैं, बहुत सारा प्लांट है, पहले यहाँ लगा लेते हैं, बच्चों के हाथों से लगाएंगे क्योंकि देश का भविष्य ये बच्चे लोग हैं यहाँ सारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी जी। और ऐसे ही करते जाइए। जी जी हाँ, मेरे तरफ से वही शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसा लग रहा सर आज? बहुत अच्छा लगा है जी। आप आए यहाँ पे जी, हम लोगों को प्लांटेशन का पुली दिया और प्लांटेशन किया, खूब अच्छा लगा है जी। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का नाम बोल दीजिए। लखन सही किया। लखन सही किया। आपका नाम? सुजीत गोगोई। सुजीत गोगोई। और हमें देखिए बच्चा लोग, आप कितना पढ़ती हो? थ्री में। क्लास थ्री में। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज पौधा लगाना जरूरी है ना? पौधा लगाने से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और मैडम को प्लांट को गिफ्ट देते हैं, अंदर में मैडम भी है। ये इस इलाके के सबसे अच्छा, जो अच्छा शिक्षा देती है लोगों ने और काफी काम किया हुआ है। आइए ये हमारे तो थोड़ा मैडम को भी चलिए प्लांट को देते हैं और दो तीन बातचीत करेंगे प्लांट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट, कितना इम्पोर्टेंट है आज के दिन में ना प्लांट लगाना। जी मैडम के लिए हम लोग का सबका तरफ से आपका स्कूल के लिए। अगर आज नाम भारती बरगोहाई गोगोई। जी जी। रामपुर एक नौ अंगनबाड़ी केंद्र कर्मी। आपका? श्रीमती अंशु शर्मा, एक नाम अंगनबाड़ी सहायिका। ओके। आपका नाम? मैं गार्जियन हूँ, मेरा नाम कमला देवी शर्मा है। अच्छा, मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है। यहाँ पे पढ़ती है ना। आपका नाम क्या है? अनु। अच्छा, आपका बेटी यहाँ पे पढ़ती है। हाँ, बेटी। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बहुत सारे बच्चे हैं आज की मान इम्पोर्टेंट में ना गाज गोचनी लोग आए तो अकमान कोई दीबो। প্ৰাকৃতিক সম্পদ সমূহ সুৰক্ষা দিবই লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা প্ৰণালী সুফল পোৱা যাব আৰু আমাৰ জীৱন যাত্ৰাত সহায়ক হ'ব আৰু গছ থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকিব। ক্ৰিষ্টিনা সংকে। ক্ৰিষ্টিনা সংকে। তো এই প্লান দে ঠিক না? উনকা এক্সাম ভি হে, এক্সাম দে পেলে স্কুল মে गिफ्ट दीजिए, ठीक है ना? मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाके स्कूल में देना है। ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे, आगे कुछ प्रोग्राम भी हो रहा है और जाएंगे, थोड़ा प्लान वगैरह लगाएंगे और हरा भरा बनाना है चारों तरफ। रामपुर डाल साहब स्कूल पे PS 105, 106, 107 हिसाब है। अमी रामपुर বিশেষ কৈ আমাৰ স্কুলৰ সমাজৰ আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাক যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি আমি আমাৰ পাঁচখন ইয়াত ভোট চেণ্টাৰ, যিটো 105, 106, 107, 108, 109 এই পাঁচোটা আমি বিয়েলো। আমাৰ বাইদেউসকল আছে ইয়াতে আৰু আমাৰ হৰি শৰ্মা ছাৰ, ভাৰতী বৰগোহাঁই, পাচাং লামা আৰু বিপাশা শৰ্মা আৰু মই নিজে, আমি আজি আমি এই বিশ্ব পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি গছ থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকিব আৰু মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে গছ গছনি আৱশ্যক। যিহেতু আমি আমাৰ এষাৰ কথা আছে, এজোপা গছ কাটিলে তাৰ আগতে আমি পাঁচজোপা গছ ৰুব লাগে আৰু সেই সজাগতা প্ৰতিজন মানুহৰ লগত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ বিশ্ব জীয়াই থাকিব। বিশ্ব জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে গছ গছনি থাকিবই লাগিব আৰু গছ গছনি নহ'লে কোনো জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব নালাগে। সেই উদ্দেশ্যে যি চৰকাৰে হাতত লৈছে সেই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি একত্ৰিত হৈ এই কাৰ্যসূচী আমি সমাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। স্কুলৰ নাম বলি যে ৰামপুৰ গাৰ্লছ হাই স্কুল। তু বি কণ্টিনিউ। আজ এনভাইৰনমেণ্ট ডে হে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। সেই উপলক্ষে মে তিৰাপ জাগুন আঞ্চলিক সমিতিকে, अखिल असम गोरखा छात्र संघ तिराप जागुन आंचलिक समिति के उद्योग में यह वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण करना हम सबका, हम लोग सबका कर्तव्य है। ये पर्यावरण को शुद्ध वातावरण देता है और जीने का एकमात्र उपाय है, पेड़ लगाओ और परिवेश को शुद्ध बनाओ। धन्यवाद। नाम तो भाई
ऑल असम गोरखा स्टोरी यूनियन के साथ में 23 असम राइफल ने कोलैबोरेशन किया है वॉल एनवायरनमेंट डे के दिन में। तो इस खुशी में आपने देखा इस वीडियो में सभी जगह गए, हम लोगों ने प्लांटेशन को गिफ्ट दिया। इसी खुशी में मैं सर को, जो हमारे सर हैं, उनको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, असम राइफल के जो हमारे ऑफिसर हैं। थैंक यू। तो सर दो शब्द बता दीजिए, जो पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है और आगे भविष्य कैसा अगर पेड़ लगाने से होगा, थोड़ा तो आपका शब्द बता दीजिए। देखिए बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन का, ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि एक अवेयरनेस ड्राइव है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। हम सबको मालूम है और पता होना चाहिए कि पर्यावरण है तो हम हैं, और अगर पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। गोरखा बहन है जो अखिल असम गोरखा महिला समिति, उनको आज प्लांट्स गिफ्ट दिया। मेरे साथ है लीलानाथ शर्मा जी जो प्लांटेशन को लेकर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और अभी तक इनका कोई हिस्सा भी नहीं, मतलब लाखों के ऊपर में इन्होंने जो प्लांटेशन है जो गिफ्ट दिया है। तिराप जागरण आंचलिक शाखा का हूँ मैं, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ, मेरे यहाँ जनरल सेक्रेटरी है और बाकी सभी मेंबर है। तो पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है आप बोल दीजिए आज के दिन में। प्लांट तो अभी आज के डेट में जो हम लोग का वातावरण है, जो पेड़ पौधा है, वो सब मैंने नष्ट होते जा रहा है, और प्लांट हम लोग के लिए इतना जरूरी है। आज हमें ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और बाकी सब बच्चे के लिए, बूढ़े आदमी के लिए, और हमारे लिए सभी के लिए। बहुत शुक्रिया, हमें आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट लिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल दीजिए कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट का। इम्पोर्टेंट हो, अब हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हामीलाई, पहिले पहिले कोरोना हुँदा हामीले कति बिजोग भयो घरमा, हामीले प्लान्टहरू लगाएर राख्यौँ अब अक्सिजनको लागि, त्यसको लागि अब जरुरी हो, सबै थोकको लागि। अब शीतल चाहिन्छ होइन, गरम हुन्छ, काम गर्छन् मान्छेहरू, यसो घाँस हुँदाखेरि बस्न पायो, शीतल हुन्छ, त्यसको लागि हो। वृद्ध बुढाबुढी मान्छेहरूलाई पनि कति जरुरी छ अहिले अक्सिजन, बहुत हामीहरूको लागि खाँचो भइरहेछ हो अहिले। अक्सिजन नहुनुको कारण चाहिँ हो हाम्रो जति पनि गाछ गछनीहरू छ त्यो कम भएको कारणले नै हामीहरूको यो अवस्था हुँदैछ अहिले, माने पहिला जस्तो थियो अहिले त्यस्तो छैन। त्यसैका लागि हामीलाई चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो गाछ गछनी चाहिँ हामीहरूले बचाएर राख्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हामीहरूको जिम्मेवारी हो, रिस्पोन्सिबिलिटी हो, हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हो एउटा। जैसे मुझे लगता है अभी पूरा लोग जाग चुके हैं, पूरी दुनिया में जागेंगे और सभी लोग जागना है, लगता है अभी मुझे यकीन हो गया कि अभी पर्यावरण बचेगा, माँ धरती को बचाएंगे, अगर धरती माँ नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेगा, और धरती को बचाने के लिए बस पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मिलजुल के बहुत ही अच्छा जो प्लांटेशन का जो प्रोग्राम होता वॉल एनवायरनमेंट डे थे, तो सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज प्लांटेशन में हिस्सा लीजिए और हरियाली को फैलाइए। जिस तरह से अगर हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लीची है, यहाँ पे भी देखिए ये लीची का बगान है, तो अगर हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो फल खाने को मिलेगा। तो इस टाइप से अगर हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो एक एग्जांपल है, फल भी मिलेगा और हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ऑल द फैमिली, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त लोग हैं, आप सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, पेड़ पौधा लगाइए, हरा भरा बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अभी तक इस वीडियो को अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी एक नए खोज के साथ, नए तलाश के साथ। आप सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।